हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आंवला नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सुनाएंगे आंवला नवमी की विशेष कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज़ सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करती हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए और राजा और रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए, प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सूरा सत छोड़ आया, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकती हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते परिवार का सुख रखना। तो इस तरीके से आंवला नवमी की कथा हमारी समाप्त होती है। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं, सारे त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो, सारी व्रत कथाएं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।